हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, टंकी के अंदर ईंट वगैरह डाल दी थी और इधर मतलब कि ये कनखजूरा आ गया था। तो मतलब कि इसको आप सोच रहे होंगे कि इसको क्यों मार दिया मैंने। तो फ्रेंड्स, वो इसलिए मैंने मारा है क्योंकि ये कान के अंदर घुस जाता है और आपको तो पता है मैं और मेरे बच्चे ज़मीन में लेटते हैं, क्योंकि इन दिनों मतलब कि हमारे लेटने के लिए रूम के अंदर मतलब कि चारपाई नहीं डल सकती है, तो हम बिस्तर ज़मीन में ही निकाल मतलब कि डालते हैं। कभी कभार ऐसा हुआ है मेरे साथ मतलब कि कान में आके ये काट जाता है, तो मतलब कि बहुत ख़तरनाक होता है। तो इसलिए मतलब कि मुझे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि बच्चों को अगर कान आन में कहीं घुस गया तो मतलब कि लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको मार दिया, क्योंकि ये मतलब कि बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पर, ये निकलते ही रहते हैं। मतलब हमारे यहाँ पर मतलब इसके बच्चे भी हो हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे। तो ऐसा नहीं है अगर सब्ज़ी वगैरह खुली है, फिर दही वगैरह खुला रख दूँ तो उसमें गिर जाते हैं। तो बहुत मतलब कि ध्यान रखना पड़ता है। हमारे इधर ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो टंकी फ्रेंड्स, आज साफ़ कर रही हूँ। तो पहले ये बताइए आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, क्या था, जो बंदर आते हैं ना, तो ये टंकी है जो इसका ढक्कन ना, इस वाली टंकी का ढक्कन टूट चुका है। और हस्बैंड जी मतलब कि न्यू ढक्कन लेकर आए थे ना, तो वो वाला ढक्कन मतलब कि इसमें फिट नहीं होता है, मतलब कि ऊपर मतलब कि इसकी सटीक भी नहीं होता है, मतलब कि फिट नहीं होता है इसमें। तो उसको मतलब कि ऐसे ही रख देती हूँ। तो बंदर है ना, तो उसको पानी नहीं मिलता है पीने के लिए, तो वो क्या करते हैं कभी कभार ये टंकी के ढक्कन को हटा देते हैं। मैं टंकी के ढक्कन के ऊपर क्या करती हूँ फ्रेंड्स, ईंटों को रख देती हूँ ताकि आंधी हवा वगैरह आए तो वो ढक्कन उड़कर कहीं ना जाए, क्योंकि पहले वाले टंकी का ढक्कन इसी तरीके से टूट गया था। बहुत जोर की आंधी आई थी, ढक्कन मतलब कि पड़ोसियों घर पर जाके गिरा था और वो मतलब कि बीच से क्रैक हो गया था, तो मतलब कि कोई मतलब का ही नहीं रहा। तो मतलब फिर हस्बैंड गए और मार्केट, फिर न्यू ढक्कन लेकर आए। तो वाइट कलर का ये ढक्कन है, बट इसके मतलब कि साइज़ का नहीं आया है, तो इस कारण से ये इसी तरीके से मेरे को ईंट से दाब कर रखना पड़ता है इसको। तो बंदर क्या कहते हैं, अगर टंकी भरी हुई होती है ना तो ढक्कन हटाकर मतलब कि पानी पी लेते हैं, क्योंकि हर जो इसका ओरिजिनल ढक्कन था वो मतलब कि उससे ढक्कन हटाकर पानी पी लेते थे। बटना अब इसके ऊपर मेरे को ईंट रखनी होती है, तो बटना बंदर को तो जानते हो कितने शैतान होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है किसी का नुकसान हो रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि वो एक जानवर है। तो और मतलब कि उनका माइंड भी शैतानी माइंड माना जाता है। तो क्या कहते हैं, इस ढक्कन को जैसे ही हटाते हैं तो इसके ऊपर वाली ईंट इसके अंदर जा पड़ी, यानी कि गिर गई थी, क्योंकि पानी बहुत नीचे था। बिल्कुल आपको दिखाया था मैंने स्टार्टिंग में कितना पानी था इसमें, क्योंकि लगभग ख़त्म हो गया था। इसके अंदर ईंट भी गिर गई थी और पानी भी काफ़ी गंदा हो गया था, क्योंकि इसका ढक्कन हट जाता है तो धूल मिट्टी के कारण इसके अंदर मतलब कि हवा के कारण धूल मिट्टी वगैरह जाती है, तो इस कारण से ये पानी सारा गंदा हो गया था। और मैं सोच भी रही थी, क्योंकि त्यौहार आने वाले हैं अभी, अब बहुत सारी मतलब कि त्यौहारों की लाइन लगने वाली है एकदम से, क्योंकि अक्टूबर स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो हो सकती है आपके पास लेट पहुँचे, क्योंकि मैं वीडियो को मतलब कि एक स्टॉक में रखती हूँ, मतलब मेरे पास 20-25 दिन की स्टॉक में वीडियो रखी रहती, तो ये मतलब कि लेट आ गई आपके पास वीडियो। हो सकता है अगर मैं इसको मतलब कि जल्दी भी भेज दूँ आपके पास, बट ये 20-25 दिन जो पहले वीडियो थी 20-25 दिन पहले की, वो अभी चल रही होगी, और ये वाली वीडियो है 20-25 दिन लेट भी आ सकती है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको बोल रही हूँ। तो ये देख लीजिए, ये वाला ढक्कन है, इसके मतलब कि साइज़ में नहीं आता है। तो पहले मैंने इधर टब भर लिया है, क्योंकि मैंने कहा अगर टंकी के मेरे को अभी पानी की ज़रूरत है, क्योंकि जो साड़ी वगैरह है ये मैं इधर ही धुल के सूखने के लिए डाल दूँगी, और
मतलब कि बाथरूम में एक टब भर के रख आई हूँ, तो उधर मैं नहा लूँगी और इधर मतलब कि आके मैं इस वाले टब से कपड़े धुल के डाल दूँगी। तो छत पे आके मैं कपड़े धुल के इसलिए डालूँगी क्योंकि फ्रेंड्स है ना, मुझे बार बार मतलब कि छत पर धो के वापस से नहीं लाने पड़ेंगे कपड़े, तो इसलिए मैं कपड़ों को मतलब कि यहीं पर लेके आऊँगी, यहीं धोऊँगी और यहीं पर सूखने के लिए रख दूँगी। तो ये देख लीजिए पाइप है जो सरक रहा है, तो मैंने कहा इसके ऊपर मतलब कि ढक्कन लगा कर इसके ऊपर ईंट रख दूँ, तो इसलिए मैंने उस पर ईंट रख दी है। बट ना बंदर मतलब कि कभी भी आ सकते हैं और ये वाला मतलब कि पानी ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो अगर ये टंकी भरी हुई है उनको तो पता चल ही जाएगा, फिर उसको क्या करेंगे ईंटों को धक्का मार के, चाहे वो टंकी के अंदर ईंट जाए या फिर मतलब कि नीचे जाए किसी की खोपड़ी पे बजे, तो मतलब कि इतने शैतान होते हैं। तो इसी कारण से ये जो ईंटें हैं टंकी के साइड में लगा दी हैं ताकि इधर मतलब कि आड़ रहे और जो ईंट वगैरह है बंदर अगर फेंकते हैं तो वो किसी के सर पे जाके ना लगे, क्योंकि मेन द्वार पे मुख्य द्वार पर मतलब कोई ना कोई रहता ही है, तो इसलिए ये दीवार खड़ी कर दी है। तो अब मैं इधर एक बार इस कॉर्नर को साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि इधर मेरे को कपड़े धुलने होंगे आके, तो उससे पहले मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। बट ये देख लीजिए पाइप है जो बार बार सरक के गिर रहा है, तो फ्रेंड्स ना इस पाइप को ना मैं एक बार फिर से इसको ईंट से दबा देती हूँ ताकि ये टिका रहे। तो मतलब कि एक ईंट से काम नहीं चल रहा था तो मैंने डबल ईंट इसके ऊपर रख दी है, तो इसको एक बार मैं फिर से दाब देती हूँ ताकि पानी है जो मतलब कि फुल टंकी भर जाए। तो फ्रेंड्स ना ये टंकी भरने के बाद फिर मैं करूँगी सीढ़ियों को साफ़, क्योंकि जो चिनाई वगैरह का काम चला था, जो सीमेंट बालू है वो छत पर मतलब कि ढो ढो कर आई थी और कुछ चप्पलों में होती हुई सीमेंट बालू सीढ़ियों पे आ गई है, तो आपको तो पता है चिकनी सीढ़ी नहीं है, खुरदरी सीढ़ियाँ हैं, तो उनमें मतलब कि मेरे को पानी डाल के उसके अंदर से सारी धूल मिट्टी गंदगी सब निकालनी पड़ेगी मुझे, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। तो एक बार ये जो टीन है इसके मतलब कि पीछे भी मिट्टी इकट्ठी हो गई है, क्योंकि ये तो मतलब कि मैंने साफ़ कर ही लिया था, बट ना जब टंकी साफ़ की इसके अंदर पानी था, जैसे ही मतलब कि पानी मैं नीचे ज़मीन पे गिराती हूँ तो ये चारों तरफ आ जाता है, तो जितनी भी मतलब कि टंकी के अंदर जो गंदगी थी वो सारी मतलब कि ज़मीन में चारों तरफ फैल जाती है। तो इसके कारण से मैं एक बार डब्बे से पानी डाल के इसको मतलब कि हटा देती हूँ, क्योंकि जो वाइट सा जम जाता है, जो गंदा आपने देखा है, जो देखते होंगे पानी के अंदर जब पानी ख़राब हो जाता है तो इसी तरीके से हो जाता है मेला पानी, तो वो ही मतलब कि चारों तरफ से फैल गया था, जम गया था। तो उसको एक बार मैं फिर से झाड़ लेती हूँ और धुल के मैं इसको पाइप के ज़रिए नीचे नाली में फेंक दूँगी। फ्रेंड्स ना टंकी भी मैं कभी रोज़ साफ़ नहीं करती हूँ, ये बंदर के कारण मुझे साफ़ करनी पड़ी है, क्योंकि बंदर ने ही मतलब कि ये मेरा काम बढ़ाया है। अगर इसके अंदर ईंट नहीं गिरती तो मैं इसको और भी भर लेती, क्योंकि ईंट पड़ी रही इसके अंदर और ढक्कन भी खुला पड़ा रहा है, मैंने इसके ऊपर गौर नहीं किया तो देखा तो मतलब कि पानी गंदा हो चुका था। वैसे भी मतलब कि तरी के अंदर पानी था क्योंकि चिनाई वगैरह भी हुई थी और मिस्त्री होते हैं उन्होंने मतलब कि बाल्टी से टंकी से मतलब कि टोंटी से तो पानी नहीं निकाला, मतलब कि बाल्टी से टंकी के अंदर पानी निकाला है, टंकी के अंदर बाल्टी डाल के, तो इसके कारण से मतलब कि पानी भी वो सीमेंट बालू वाला हो गया था, क्योंकि बाल्टी वो इसी तरीके से डाल दे, क्योंकि चिनाई का काम चल रहा है तो कोई धुल के तो वही डालेगा नहीं क्या, क्योंकि पीने का पानी तो है नहीं, उनको पता है क्योंकि टंकी फिर से साफ होगी फिर से भर जाएगी, तो इसीलिए मैंने उसको सरफ डाल के और अच्छे पानी से उसको धो के और फिर से भर दिया, ताकि मैं अगर छत पे आती हूँ ब्रश वगैरह भी कर सकते हैं इस पानी से, कपड़े भी धो लूँगी, नहा भी लेंगे, तो मतलब कि काफ़ी काम अपना आसान हो जाएगा इस पानी से। तो इसी कारण से मैं अब इस टंकी को भर रही हूँ, तो इधर मतलब कि ये टब भर लेती हूँ, तो टंकी भर ली है और टब भी भर लिया है। तो इधर टब भरने के बाद फिर मैं चलूँगी सीढ़ियों पे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगर आप पहली बार मेरे न्यू चैनल पर आए हैं, न्यू फ्रेंड्स हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब आ गई है सीढ़ियों की बारी। तो इधर मतलब कि जो उधर थोड़ा बहुत कचरा वगैरह था, तो इधर मैंने इस बटल के अंदर भर के रख दिया था, तो इस बटल को एक बार उठा देती हूँ, और उठा के मैं अभी एक बार इस साइड में रख देती हूँ, क्योंकि जब मैं धुल लूँगी, धुल के फिर मैं जाऊँगी इसको कचरे को फेंकने के लिए। तो फ्रेंड्स, कचरा हमारा मतलब कि बहुत दूर फेंका जाता है, तो उधर दूर ही फेंकने के लिए जाऊँगी, बट अभी नहीं जाऊँगी। अभी मैं बिल्कुल भींग चुकी हूँ, नहा लूँगी, सुबह के टाइम जाऊँगी, नहाने से पहले सारा कचरा मतलब कि उधर ही फेंक के आऊँगी, जहाँ पर मतलब कि फेंका जाता है पूरे गांव भर का कचरा। तो एक बार मैं सीढ़ियों को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सीढ़ियों पे चिनाई का काम, सीमेंट बालू वगैरह आई थी इधर से चढ़ के, तो मतलब कि सारी सीढ़ियों पे मतलब कि वो रखा है ये सीमेंट बालू, तो ये मतलब मेरे को पूरा धुलना होगा, क्योंकि नीचे का जब धुलती हूँ, वो तो आपने वीडियो देखा ही हुआ है, जब नीचे मतलब कि आंगन है उसको मैं धुलती हूँ, उस टाइम का वीडियो आपने देखा हुआ है। तो इसी पाइप से मैं एक बार प्रेशर देती हुई इसको, पानी का प्रेशर देते हुए उसको बिल्कुल धूल मिट्टी हटा दूंगी। तो फ्रेंड्स, पाइप से मतलब कि सीढ़ियाँ धुलने का यही फ़ायदा है कि मतलब कि धूल मिट्टी एकदम से साफ़ हो जाती है, और मतलब कि झाड़ू वगैरह नहीं लगानी पड़ती है। तो बिल्कुल मतलब कि इसी तरीके से ये साफ़ कर लिया है मैंने, बट ना जो आंगन है उसके अंदर सारी धूल मिट्टी इधर से सीढ़ियों से होती हुई सारी की सारी वहाँ पर जाकर इकट्ठी हो गई है, बट कोई बात नहीं, मैं इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि मेरा काम तो है सफाई करना और आप तक वीडियो को पहुँचाना, क्योंकि मेरा मतलब कि ब्लॉग ही है क्लीनिंग के ऊपर। तो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा होम क्लीनिंग मतलब कि जो घरेलू काम होते हैं वो किस तरीके से मैं करती हूँ, साफ़ सफाई वाला, और डेली मतलब डेली का दिनचर्या मतलब कि आपके साथ शेयर करती हूँ वीडियो। तो ये देख लीजिए, जो धूल मिट्टी वगैरह इकट्ठी हो गई थी, इसको सब एक बार पानी डाल देती हूँ, और ये वाला पाइप मैं फिर से ऊपर छत पे रख कर आऊँगी, और जब मैं मतलब कि नहाऊंगी उसके बाद, मेरे को ये ज़रूरत नहीं है, इसके बाद मैं ये मतलब कि समर को बंद कर दूंगी, क्योंकि आंगन अब झड़ चुका है और मुझे पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा काम ख़त्म हो गया है, क्योंकि मैंने टंकी भी भर ली है और सीढ़ियाँ भी साफ़ कर ली हैं। बस अब यही डर है कि बंदर कहीं दोबारा से ना आ जाए, और ना ही मतलब कि मेरी टंकी का पानी बिगाड़ के जाए। तो ये लीजिए, हो चुका है साफ, और मैं नहा कर आ गई हूँ। तो इधर मतलब कि एक टब भर लिया था मैंने, और कुछ कपड़े वगैरह मैं नीचे से लेकर आ गई हूँ, नहा ली हूँ। अब मैं इधर ही के कपड़ों को धुल के रख दूँगी, क्योंकि आपके सामने ही पहले ही मैं इस टब को भर गई थी, तो इसीलिए मैं इस टब को भर गई थी कि यहाँ पे मतलब कि इन कपड़ों को धुल लूँगी। तो फ्रेंड्स, है ना, मतलब कि ये मेरी साड़ी है, इसके अंदर सरफ मैंने, साबुन मैंने पहले ही नीचे लगा लिया था, बट ना थोड़ा सा नचोड़ना भर था, और इसको नचोड़ के सूखने के लिए डालना है, बस और कुछ नहीं है। और इधर जो सुबह के मैंने जो कपड़े धुल के डाले थे, तो वो मैं इकट्ठे करने हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे गुड इवनिंग इसलिए बोला है, क्योंकि मैं इवनिंग की टाइम में वीडियो एडिट करके रिकॉर्डिंग कर रही थी, क्योंकि मैं पहले ही शूट कर लेती हूँ वीडियो, उसके बाद एडिटिंग रिकॉर्डिंग मैं इवनिंग के टाइम में करती हूँ, या फिर ना मॉर्निंग के टाइम में मुझे टाइम मिल जाता है उस टाइम में कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हो सकता है आपके पास मतलब कि ये आफ्टरनून या फिर मॉर्निंग के टाइम में वीडियो जाए, तो इसलिए मैं आपसे एक बार बोल देती हूँ गुड मॉर्निंग, बट ये इवनिंग का टाइम है। तो सुबह के टाइम में ना फ्रेंड्स, हमने ना कपड़े वपड़े अपने धो के पहले ही रख दिए थे, बट मुझे ये काम करना था, तो ये काम करते करते ही लगभग मुझे 2 से 2:30 बज गए थे। तो आफ्टरनून अब हो चुका है, बट एडिटिंग और रिकॉर्डिंग जो मैं आवाज़ दे रही हूँ वीडियो के अंदर, ये इवनिंग का टाइम है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे गुड इवनिंग बोला था। तो ये देख लीजिए, इधर मेरा बिल्कुल परफेक्ट काम, बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ मैं, अब मुझे कोई टेंशनबाजी नहीं है। तो एक बार मैं ये कपड़े जो मतलब कि साड़ी थी उसको मैं इधर डाल देती हूँ, क्योंकि आपको तो पता है मतलब इतना
मतलब कि ऊँचा तार नहीं है जो मैं अपनी साड़ी को फंसा सकूँ, क्योंकि मेरे को ही इसके नीचे से झुक झुक के निकलना पड़ता है। बट अब ये टीन डल गई है, इसके अंदर एक तार बांध के, और ये बड़ी वाली दीवार है जो टंकी के सहारे से, तो उसके अंदर मतलब कि कील गाड़ के एक नया तार बांध लूँगी, तो मतलब कि उस पर साड़ी वगैरह मेरी सूखती रहा करेंगी। तो मतलब कि ये मेरे को बहुत फ़ायदा हो गया है कि मैं अब तार की व्यवस्था हो जाएगी मतलब कपड़े सुखाने के लिए। तो इधर फ्रेंड्स जो टंकी भरी थी, जो मतलब कि तैयारी करनी पड़ती है, पाइप वगैरह बांधने पड़ते हैं, तो ये पाइप मैंने बांधा था, तो इसको अब मैं खोल देती हूँ क्योंकि छोटा पाइप है और ये टंकी तक नहीं पहुँचता। तो एक बार मैं इसको नीचे डाल देती हूँ, तो इसको भी एक बार नीचे फेंक आती हूँ। तो इसको मैंने सीढ़ियों पे फेंक दिया है, तो अब ये मतलब कि मैं अपने कपड़ों को उतार लेती हूँ, जो सुबह के टाइम मतलब मैं सूखने के लिए डाल गई थी छत पे तार पर, तो वो सूख चुके हैं और उन कपड़ों को, सबको धुले हुए कपड़ों को मैं जाती हूँ नीचे लेकर। तो फ्रेंड्स अब मैं जाके अपने हाथों पैरों में क्रीम लगाऊंगी, यानी कि बॉडी लोशन लगाऊंगी। तो ये देख लीजिए, मैं अभी इधर साड़ी वाड़ी पहन के बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हूँ, और हाथ में मेरे कपड़े हैं और मेरी साड़ी वगैरह कपड़े वगैरह थे जो मैंने धुल के डाल लिए हैं नहाकर, और बाकी ये कपड़े मैं अब जाती हूँ नीचे लेकर। तो ये टंकी अंकी मेरी बिल्कुल भर चुकी है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, बट डर है तो बंदर का डर है, कहीं वो फिर से आके मेरे मतलब कि टंकी को ना बिगाड़ जाए, कहीं पानी ख़राब ना कर जाए, बट जानवर है क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।